वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के टोटल इस वीडियो के अंदर हम 5 शेयर्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर आज के दिन हमें 6.3% की गिरावट देखने को मिल रही है, और इस गिरावट के पीछे की अगर असली वजह की बात करें तो वो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स ही है। कंपनी के प्रॉफिट में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने जो अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो मुनाफा है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% से गिरते हुए हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, और अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो 1332 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लेयर किया है। लेकिन जो एस्टिमेट रेवेन्यू के भी लगाए गए थे, उस एस्टिमेट को भी यहां पर कंपनी बीट नहीं कर पाई है, जिस कारण से आज के दिन हमें जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बकरे इस गिरावट के पीछे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से क्या रीज़न बताया गया है, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के मैनेजमेंट का कहना है कि हाई इन्फ्लेशन के कारण उनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहे हैं, और इसी कारण से कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। अदर बिग अपडेट हमें जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी 60 नए रेस्टोरेंट जो डोमिनोज पिज़्ज़ा के ओपन करने जा रही है 16 सिटीज़ के अंदर, जिसको लेकर कंपनी ने यहाँ पर अपडेट डिक्लेयर करी है। तो यदि आपने जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कल यानी कि 2 फरवरी 2023 के दिन भी आपको इस शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो यदि आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लॉस के रिकवर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करते हुए चल सकते हैं। कह लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। CDSL ने भी आज के दिन अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स डिक्लेयर करे हैं। यहां पर भी कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन CDSL की शेयर प्राइस के अंदर भी हमें 1.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। CDSL का शेयर पिछले एक महीने में 11% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर 141 करोड़ रुपए की सेल्स डिक्लेयर करी है। कंपनी की सेल्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और उसी के सामने कंपनी ने 85 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी ने 75 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है क्वार्टर 3 के अंदर, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें 5% से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। यदि आपने CDSL के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अभी के टाइम पर शेयर पूरी तरीके से हमें ओवरसोल्ड जोन की कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, जिस कारण से यहां पर आप अपनी पोजीशंस को सिर्फ होल्ड कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं अगर ये शेयर आपको 1000 के नीचे मिलता है। तो अगर हम इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें, तो लास्ट 3 ईयर्स की काफ़ी अच्छी रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की 40% की देखने को मिल रही है। वहीं CAGR रेशियो लास्ट 1 ईयर का नेगेटिव है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स का 59% का है। तो ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नंबर्स प्रेशर में है, जिस कारण से यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को होल्ड करना होगा, और फ्रेश पोजीशंस के लिए अभी आपको वेट एंड वॉच करना होगा। बढ़ते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स लिमिटेड की तरफ। टाटा केमिकल्स ने भी आज के दिन अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। सबसे पहले टाटा केमिकल्स लिमिटेड की आज की शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें, तो 1.6% की गिरावट हमें टाटा केमिकल्स लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल सभी सेक्टर में आज के दिन गिरावट है। उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव था, जिस कारण से सभी जगह हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बकरे टाटा केमिकल्स को लेकर क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो टाटा केमिकल्स ने भी आज ही के दिन अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स डिक्लेयर करे हैं, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 425 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% से जंप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। टाटा केमिकल्स के रेवेन्यू की बात करें, तो कंपनी ने क्वार्टर 3 के अंदर 4148 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 3141 करोड़ रुपए का था। रेवेन्यू में भी कंपनी के 32% की जंप हमें देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट का कहना है कि जो ग्लोबल डिमांड है, उसमें अभी जो हमें इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर नंबर्स ठीक ठाक निकल कर आए हैं। लेकिन अगर क्वार्टर 4 के अंदर इसी प्रकार की डिमांड रहती है, तो हम डेफिनेटली काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अवर डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा कंटिन्यूस इन पार्टनरशिप विद अवर कस्टमर्स एंड
अदर स्टेक होल्डर्स, तो काफी पॉजिटिव न्यूज हमें इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आर मुकंदन की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल्स एक फ्यूचरिस्टिक शेयर है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं और इस शेयर्स के अंदर भी लॉन्ग टर्म पर्पज से अपनी पोजिशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वेदांता लिमिटेड के अंदर हमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। वेदांता लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट करी है। डिविडेंड की बात करें उससे पहले एक और बड़ी अपडेट हमें वेदांता को लेकर आते हुए देखने को मिल रही है। जो कोल ब्लॉक्स की बीड है उसमें वेदांता लिमिटेड के साथ में NTPC और JSPL का नाम भी आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। टोटल 36 कॉल ब्लॉक्स के लिए ये हमें बीड देखने को मिल रही है। अगर ये कॉल ब्लॉक्स की बीड अगर वेदांता के हाथ में चली जाती है तो इससे कंपनी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। बात करें वेदांता लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, तो वेदांता लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो 1250% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि 12.50 रुपये पर इक्विटी शेयर्स का जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसकी एक डेट हमें 3 फरवरी 2023 देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप वेदांता के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो कल आपके पास आखिरी मौका है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अगर कल आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो आप 12.50 रुपये पर इक्विटी शेयर्स के, यानी कि 328 रुपये के शेयर पर 12.5 रुपये का आपको डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। बहुत अच्छी डील है, डेफिनेटली आप यहां पर निवेश कर सकते हैं और 2 से 3 दिन अपने पोर्टफोलियो के अंदर वेदांता के शेयर्स को रखकर आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, फिर आप डिविडेंड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको 3.9% की तेजी गिरावट देखने को मिल रही है। कल के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर 8% की तेजी के बाद में आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट डेफिनेटली पॉसिबल थी क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी वे टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट बजट सेशन में आते हुए देखने को मिल रही है। बजट 2023 के अंदर, यूनियन बजट 2023 के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेस PPP यानी कि PPP मॉडल टू बूस्ट प्रोडक्शन ELS कॉटन विच इंजॉयज ह्यूज डिमांड फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ELS कॉटन की बात करें तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन जिसकी डिमांड अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और ट्राइडेंट लिमिटेड भी इसी पर काम कर रही है, तो डेफिनेटली ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने ATUF यानी कि अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के तहत 900 करोड़ रुपये की मंजूरी भी यहाँ पर दे दी है। इसी के साथ में टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए जो MSME स्कीम है उसमें भी 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर दे दी गई है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर भी आते हुए देखने को मिल रही है। तो यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर भी निवेश कर रखा है तो यहां पर भी आप 30 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजिशंस को यहां पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।